हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल DLF में, मतलब डॉग लवर फ्रेशर में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इस डॉग के बारे में, यह है बेल्जियम मेलिनुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डॉग का ओरिजिन बेल्जियम से है। इस डॉग का नाम बेल्जियम के एक शहर मालिना पर रखा गया है। इसको बेल्जियम शेफर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह डॉग देखने में जर्मन शेफर्ड डॉग की ही तरह लगता है। अगर आपको ब्रीड्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो शायद आप धोखा खा सकते हैं। हम इनकी हाइट की बात करें तो मेल में इनकी हाइट 61 से 66 सेंटीमीटर और फीमेल में इनकी हाइट 56 से 61 सेंटीमीटर तक होती है। अब हम इनके वेट की बात करें तो मेल डॉग में इनका वेट 25 से 30 किलोग्राम और फीमेल में इनका वेट 22 से 25 किलोग्राम तक होता है। इन डॉग्स की लाइफ 10 से 15 साल तक होती है। यह ब्रीड मीडियम टू लार्ज डॉग ब्रीड है। ये शॉर्ट कोट के होते हैं। इन डॉग को पहले एज अ हर्डर यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इनको एज अ वर्किंग डॉग और प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाने लगा। ये डॉग इंटेलिजेंट स्ट्रांग होने के साथ साथ बहुत ही एनर्जेटिक है एज कम्पेयर टू जर्मन शेफर्ड डॉग। इस डॉग ब्रीड को आर्मी पुलिस में यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ सर्च एंड रेस्क्यू, बॉम्ब एंड माइन डिटेक्शन में यूज़ किया जाता है। ये ब्रीड इंडिया में पॉपुलर नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि इनका लुक ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है और अट्रैक्टिव भी नहीं है। पर इंडिया की CRPF डॉग स्क्वाड की K9 यूनिट में 200 से 250 डॉग इसी डॉग ब्रीड के हैं। ये हमारी सोच के अकॉर्डिंग ट्रेंड हो जाते हैं। इनके कलर की बात करें तो इनमें बेसिकली ब्लैक एंड टैन, ब्लैक एंड सिल्वर और प्योर ब्लैक कलर के डॉग आपको मिल जाएंगे। इस डॉग ब्रीड का फेस मैक्सिमम डार्क ब्लैक कलर का होता है। इस ब्रीड को अदर ब्रीड की तरह सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये एक्टिव एंड वर्किंग डॉग है तो इन्हें रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। इन डॉग ब्रीड को ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं है। ये शॉर्ट कोट के होते हैं तो इन्हें ज़्यादा ग्रूमिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।